देश दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन माघ मेले का प्रयागराज में होता है। हर वर्ष की तरह इस बार भी माघ मेला का आयोजन बड़े ही दिव्य और भव्य तरीके से शुरुआत होने वाली है, जिसको लेके आप देख सकते हैं तैयारियां पूरी जोरों से चल रही है, अंतिम चरण पे है। ये पीपा का पुल है जो बन के पूरी तरीके से तैयार हो गया है। पूरे माघ मेला क्षेत्र में 7 पीपा पुल के पुल का निर्माण होगा, जो मेला क्षेत्र में 5 होंगे और फाफामऊ की तरफ 2 पीपा के पुल का निर्माण होगा। पीपा पुल का निर्माण अंतिम चरण में है, आप देख सकते हैं आवागमन शुरू हो गया है। माघ मेले की जो शुरुआत है वो 14 जनवरी मकर संक्रांति के पहले स्नान पर्व से शुरुआत हो जाएगी और माघ मेला इस बार भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश शासन ने ये कहा है कि माघ मेला भी अन्य माघ मेलों से अलग होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा। माघ मेला बहुत ही अच्छा और सकुशल संपन्न हो, इसके लिए पूरी तरीके से तैयारियाँ तेज हो गई हैं। और लगभग 14 जनवरी से हमारे साथ अयोध्या से आए संत जो हमारे साथ जुड़ेंगे, सीधे हम उनसे बातचीत करते हैं कि महाराज जी, इस बार जो माघ मेले की तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, और क्या लगता है कि माघ मेले का जो प्रशासन की बड़ी चुनौती है और कैसे मेला संपन्न होगा और संतों की क्या मांग है? संतों का यही कहना है, वैसे तो माननीय योगी जी हमारे बड़े ही चतुरता और बुद्धिमत्ता के साथ मेले का भव्य एवं सुंदर उनकी तैयारी है। अब थोड़ा बारिश होने के कारण मेले में कुछ परेशानियों का सामना हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारियों को करना पड़ रहा है और संभवतः है इतने परेशानी के कारण भी 2-1 दिन के अंदर अंदर सारी तैयारियां सकुशल संपन्न कर ली जाएंगी। महाराज जी, जैसे देखिए कि लगातार पूरे देश में कोरोना का एक अलग प्रसार फिर से तीसरी लहर आ गई है और माघ मेला भी होगा और यहाँ पे जन समुदाय देखने को मिलता है, देश दुनिया के अलग अलग कोने से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, संत आते हैं, महात्मा आते हैं, कल्पवासी आते हैं, तो कोरोना को लेके संतों का क्या आह्वान है, क्या अपील करते हैं कि जो श्रद्धालु आए वो किस तरह से अपना और आप किस तरह से सेफ्टी रखेंगे अपने आप? हमारा तो यही सबसे निवेदन है, हमारे योगी जी का भी, मोदी जी का यही निवेदन है कि जो भी मेला में आए अपने कोरोना की जाँच करवा के आए, मेला में उचित दूरी बनाएँ और भगवान की कृपा सकुशल संपन्न होगा। हमारा ही नहीं, पूरे मेला से पूरे देश का एक सुंदर संदेश दिया जा रहा है सबके लिए कि इस महामारी से, मेला में आकर के सभी संत भगवान से प्रार्थना करेंगे इस महामारी से सबको स्वच्छ और सुंदर रखें, स्वस्थ रखें। यही मेला में सभी संतों का आने का भी सनातन परंपरा से विश्व कल्याण के लिए ही लोग एक महीना आते हैं और हम सभी संतों का आह्वान है कि पूरे विश्व का कल्याण हो और योगी जी की पूर्ण तैयारी है और बड़ी अपनी चतुरता के साथ सभी अधिकारियों को, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे कर्मचारी हो, सभी को यही उनका निर्देश आदेश है कि कोरोना के विषय में विशेष ध्यान रखते हुए समय से टीका लगवाएं। पत्रिका उत्तर प्रदेश से सुमित यादव, प्रयागराज।